हे गाइस, वेलकम बैक टू ARK मोबाइल। तो आज हम करने वाले हैं एक टेमिंग, जिसको डंग बीटल कहते हैं, उसको हम टेम करेंगे, जो कि इधर ही आसानी से मिल जाता है, अंदर ही इसी केव में जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में गए थे। तो ढूंढते हैं उसको फटाफट, और वो किस काम आता है वो भी बताएंगे इस वीडियो में आगे चलते हुए। और वो नीचे कहीं मिलता है तो ढूंढते हैं फटाफट, चलते हैं नीचे फटाफट से। तो जैसे कि हम लोग पहले गए थे नीचे सीधा सीधा जाना है, यहाँ पर तो कुछ मिलता नहीं है खास। और फिर नीचे चलो भाई, हाँ यहाँ से लेफ्ट चल भाई। हाँ तो वो काम क्या आता है वो भी हम बताएंगे, अभी तो पहले उसको टेम कर लेते हैं। और टेम करने से पहले उसको ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि वो इसके में एक या दो ही मिलते हैं मुश्किल से। तो पहले हम लोग नीचे चलते हैं, और फिर इधर से जहाँ पे हम लोग आगे जाके लेफ्ट जाते थे, उधर से हम लोग राइट मुड़ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मिलने के चांस है, इस साइड ही मिलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जब भी मैंने खेला है। और ये टाइटन हुआ भाई साहब, ये बहुत परेशान करने वाले हैं इस गेम में सारे के सारे। किसी ने अगर एक या दो शॉट मार दिया ना तो मैं बेहोश हो जाऊंगा पक्का से। इनसे ले लेते हैं नारकोटिक एरो, मिलेंगे ट्रैंक एरो, सॉरी नारकोटिक एरो बोल रहा हूँ, ट्रैंक एरो होते हैं। ये बिच्छू भी यही मिलेंगे सारे। खैर चलो ढूंढते हैं कहीं मिल जाए तो फटाफट। इनका नाम पता नहीं किसा अजीब सा रखा है, प्रोनाउंस करने में नहीं आता है। चलो भाई चलो, कहीं दिख रहा है क्या भाई? बहुत बड़ी जगह यार ये। हाँ तू इधर लेटा रहा है, मैं तुझे फटाफट निपटा देता हूँ। एक को, अरे भाई एक और है। अरे नहीं नहीं, दूसरा शॉट नहीं, दूसरा शॉट पड़ा तो बेहोश हो जाऊँगा पक्का से। क्या पता एक में हो जाऊँ, भरोसा नहीं है भाई। इनका टॉर पर चढ़ाने का बहुत ज़्यादा होता है। देखा भाई, और भाई साहब 30-35 तक पहुंचा दिया, 40 करते हम लोग बेहोश हो जाते हैं। इसलिए ध्यान से रहने का इनके सामने। वहाँ पे कोई ना, इसमें क्या है, चलो एक ट्रैंक एरो भी मिल जाएगी इसमें से, और ये भी रख लेता हूँ, काम आएगी अगर कोई मारने लगा ज़्यादा तो, इससे फिर टॉर्पर कम होता है। चलो आगे देखते हैं कहीं मिल जाए तो। अरे उधर तो यार दूसरी जगह आ जाएगा, इधर ही देखते हैं कहीं मिलेगा। चलो भाई चलो, चलते चलो। और पानी की भी अब टेंशन नहीं है, पिछली बार मैंने बताया था कि पानी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसे मतलब घूमते हुए जाओगे तो मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा आओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है, और पानी के आसपास भी मिलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं डंग बीटल के। नहीं यहाँ पे भी नहीं है, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा फटाफट पहले। चलो भाई किधर है रे बाबा? एक तो वो होते भी छोटे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, तो इन घासों में भी छुप जाते हैं। अरे अरे भाई भाई भाई, कब पीछे से हमला करता है? शर्म नहीं आती पीछे से हमला करता है? किधर मिलेगा? इधर 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 होगा क्या? नहीं इधर भी नहीं दिख रहे, देखते हैं आगे चलते हैं मिल जाए तो कहीं। थोड़े से ही मैं आगे आया था और हमें मिल चुका है, पहले इसको निपटा देते हैं टाइटन बोम। और ये निपटा दिया हमने। अरे मकड़ी भी आ गए क्या दो तीन? चल पहली फुर्सत में निकल, अबे मर जा। हाँ थोड़ी आवाज़ भी ख़राब हो रही है, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया मुझे जो। तो वो हो रहा सामने डंग बीटल, तो उसको टेम करने के लिए हमें चाहिए होता है स्पॉइल मीट। तो दो सामान हम निकाल लेते हैं, स्पॉइल मीट और हमने जो ये सूदिंग बाम रखा था टेम करने के लिए। तो ये देखो ये रहा, तो उसको क्या करना है, सूदिंग बाम पहले खिला देने का है। तो ये देखा यूज़ सूदिंग बाम बता रहा है, जैसे सूदिंग बाम यूज़ करेगा देखो ऊपर आइकन आ जाएगा। तो उसके बाद फिर इसको वो खिला देने का है स्पॉइल मीट, और एक ही बार में टेम हो गया, क्योंकि कम लेवल का ही था ये, 50 लेवल का ही था, तो एक बार में हो गया। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसको घर भेजने का, देखते हैं अगर यहीं से डायरेक्ट चल जाए तो। यहाँ से भी आप किसी को घर भेज सकते हो, बस उसके इन्वेंट्री पूरी ड्रॉप हो जाती है। यहाँ से करते हैं वार्निंग, ओके कैन नॉट, अच्छा बाहर लेके जाना ही पड़ेगा इसको। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे जानवर बीच में आने वाले भाई, परेशान कर देंगे उसको लेके जाने में, कहीं बीच में मर ना जाए यार, एक तो मुश्किल से मिलता है। पहले ड्रॉप कर देते हैं, सामान बहुत भारी हो गया है, देखो कितने सारे मतलब कचरा ही कचरा भर जाता है एक बार केव में आ जाओ तो।
पहले कहाँ मिलते ही नहीं थे शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में। अब इतने सारे मिल रहे हैं, इतने सारे मिल रहे हैं कि क्या ही बताएं। ड्रॉप करो ड्रॉप करो ड्रॉप करो, सब 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 उधर। अरे नहीं, ये काम किए, बाकी सब फेंक दो। हाँ, मीट वीट फेंक दो बस। एक क्रिएटिन, ये सब आते हैं ना, ये सब दांत जैसे और ये शेल जैसे, ये सब रखने का ये काम आता है, आगे बहुत काम आने वाला है। बाद में मिलते नहीं है फिर प्रॉब्लम होती है। चलो चलते हैं। क्या है यार, स्टोन है क्या? चल कहाँ से जाएं? ऊपर से, सब ऊपर से शायद कोई आ रहा। हाँ, ये रहा, मारो इसको। चल और तो कोई नहीं है। चल भाई तू फॉलो कर ले यार, धीरे धीरे पीछे पीछे आते रहे। इसको थोड़ा मीट भी दे देता हूँ, स्पॉइल मीट खाता है ये भी, ताकि भूखा ना मर जाए। चलो चलो चलते चलो। अरे फिर कोई आ गया इसकी। आ जा आ जा, तू आ जा पहले। नहीं, तू ही आ जा। हाँ यार, तो परेशान कर देते हैं यार। फॉलो करके भाई चल यार, पैदल पैदल चलते। तो तुझे हाथ में लेके जाऊँगा, प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। चलो भाई चलो। आया है क्या? हाँ आ रहा है। चलो आगे कोई भाई, कोने कोपचे में सब बैठे रहते हैं यार, ध्यान से जाना पड़ेगा आगे। अरे ये देखो, ये आ ही गए, नाम लिया और हाजिर। इनके इन्वेंट्री में कुछ कुछ मिलते रहते हैं, काम की चीज़ें तो ले लेनी चाहिए। उठा लेना, उठा लो, फ्री फोकट की जितना मिले सामान उठा लो, काम ही आने वाले हैं। अरे भाई चल ले, क्या कहाँ अटक गया? अरे मतलब कहीं भी अटक रहा है। अबे रास्ता इधर से है, इधर को उधर किधर जा रहा है? अरे यार इसको भी उठाना पड़ेगा। चलो भाई चलते हैं, जब तक कोई आता नहीं तब तक तो चले लेके इसको यहाँ से शायद। हाँ ये ऊपर ही जा रहे हैं, चलो सही जा रहे हैं। खेव में कभी ऊपर की साइड बढ़ो तो समझ लो अभी सही जा रहे हो, बाहर निकलने की साइड ही जा रहे हो। हाँ ये जाने पहचाना एरिया है। यहाँ से, हाँ सामने से आया था मैं, बोरा ऊपर का रास्ता। पहले सामने वाले को निपटा दूँ। आ जा भाई आ जा आ जा आ जा आ जा। और कोई आ रहा है? नहीं। अरे आ जाओ, हाँ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, फटाफट फटाफट। किस्मत से यार ये तलवार पहले मैंने ले ली थी, नहीं तो परेशान हो जाता यार। इनको मारने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इनकी हेल्थ भी अच्छी खासी होती है, ऐसे मरते भी नहीं है। चलो भाई चलो, ये तो मर गए, ऊपर ही चलते हैं अब। यहाँ से राइट, हाँ वो देखो पिलर दिख रहा है, वो सही जा रहे हैं। फिर तो पिलर दिखेगा मतलब सही जा रहे हैं पिलर। ये ग्रीन वाली लाइट जलती है ना, इस ये अगर बिक जाए तो मतलब सही जा रहे हो। अब तो रास्ता पता है। चलो भाई अब तो पता है, यहाँ से ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट है, ऐसे घूमते घूमते। लेफ्ट है राइट था? हाँ लेफ्ट ही था मुझे। हाँ सही है सही है सही है, अब राइट जाना होगा। दो रास्ते आएंगे शायद आगे से। नहीं, अब तो पहुँच गए ऊपर, पहुँच ही गए लो। ये लो पहुँच गए, यहाँ से घूमेंगे, ये आ गए ऊपर। अब यहाँ से सिर्फ ऊपर निकालने का है। चलो भाई चलो चलते चलो चलते चलो। अरे इधर भी थोड़ा घूम फिर के जाना पड़ता है, इधर भी रास्ता नहीं कर रखा है, कांटे ऐसे लगा रखे हैं पत्थर के। डैमेज तो कुछ नहीं करते बट लगा रखे हैं रोकने के हिसाब से। और ऊपर जाएंगे तो फिर लैग भी होगा, अभी बस पहुँच ही गए। ये रहा रास्ता, अभी लैग होगा। हो जा हो जा हो जा, नहीं हुआ। यहाँ पे भी लैग होता है और बाहर निकलने के टाइम पे भी लैग होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लैग मारता है ये। किस हर मोबाइल में लैग मारेगा, तुम आईफोन में खेलोगे ना उसमें भी लैग मारने वाला है। अब देखते हैं यहाँ से इसको। अरे रात हो रही है यार। अरे अरे रेप्टर 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 रेप्टर, अरे निकल तलवार निकल। अरे दबोच ही लिया इसने। अरे ये सबसे बेकार चीज़ है, दबोच लेता है ना तो एक बार में ख़त्म कर देगा आपको, अगर कम लेवल है आपकी तो। निकल, थोड़ी देर तक दबोच के रखता है, तीन शॉट मारता है दबोचने के बाद, पैरों के नीचे दबा लेता है, फिर तीन शॉट मारता है, फिर छोड़ता है। वो तो अच्छा हुआ मैंने अच्छे खासा आर्मर पहन रखा है, इसलिए बच गया, नहीं तो निपटा देता है। यहाँ से भेजने की कोशिश करते हैं। चल भाई यहाँ से रिक्वेस्ट तो हो गई है, ये निकाल लेते हैं और सो जाते हैं हम लोग फटाफट। अरे गया नहीं क्या? नहीं जा तो रहा है, रिक्वेस्टिंग। चलो भाई सो जाते हैं, तो दिन भी हो जाएगी, तब तक स्टॉप हो जा भाई। यार इससे बहुत ज़्यादा फूड और वाटर जाता है यार। खैर कोई ना, अभी चलते हैं, दिन कर लेते हैं फटाफट। चलो भाई, अरे गया नहीं।
अरे भाई कैसे जाएगा यार, बेड यहीं पे तो है, सबसे पास वाले बेड पे जाता है, मैं तो भूल ही गया था। खैर छोड़ो, ये रिपेयर कर लेते हैं फटाफट, उस रैप्टर ने तोड़ ही दिया था आर्मर। बहुत ज़्यादा वजन हो गया यार, मैं पहन के जा भी पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। एक बार ट्राई, नहीं यार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा उधर, नहीं जाएगा इधर ही रहेगा, बेड यहीं पे जाना, नहीं हो तो अंदर वाले बेड पे चल जाएगा, ऐसे अच्छा तो यहीं पे ठीक है। उठा के लेके चलते हैं इसको, और क्या करें। आजा भाई, ओ पीटी चल। ये क्या पैर से उठा लेगा इसको? नहीं, उठा पाएगा। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। नहीं, इसको हाथ में लेके बैठना पड़ेगा। चल भाई चलो। और हाँ, अगर किसी जानवर को ऐसे अगर हाथ में पकड़ के बैठो ना, तो गलती से भी कभी भी बैरल रोल ऊंची जगह से मत मार देना, क्योंकि जैसे ही बैरल रोल मारोगे इसको छोड़ देगा, और छोड़ेगा तो पता ही नीचे जाके गिर के मौत हो जानी है। तो इससे अच्छा ध्यान रखने का, कभी भी बैरल रोल नहीं मारना कोई भी अगर साथ में लेके बैठो तो। ऐसे उड़ते उड़ते जाना पड़ेगा आपको, और ऐसे ज़्यादा दूर है तो उसे नहीं घर यहाँ से, बस मैप नहीं खोल पाऊँगा तो पूरा घूमते फिरते जाना पड़ेगा कोने कोने से। चलो चलते ही हैं, और कुछ मिल जाए यहाँ पे खास तो थोड़ा स्टेमिना रिकवर कर लेते हैं, और मुझे भी प्यास लग रही है, वो खाना वाना भी भूख भी लग रही है, वो भी खा लेते हैं, इसको देख लेते हैं। चलो भाई, अरे मार खा रहे हैं, उड़ गए। चलते चलो, तो ठीक है मिलते हैं। अब घर पहुंच के वहीं पे डायरेक्ट मिलते हैं और बताते हैं क्या क्या हो सकता है। तो ये हम आपको हम इसको यहाँ पे लाके रख दिया कि मैं भी क्यों फंबल कर रहा हूँ इतना। तो इस केस में से ये निकाल लो, और ये होती है फेस, जो कि मतलब कोई भी डायनो टट्टी करता है तो टट्टी डालनी पड़ती है इस केस में, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र बनाता है, और फर्टिलाइज़र खेती में काम आती है, तो खेती भी करेंगे उसको, तो मैं बना लूँगा फटाफट ऑफलाइन। उसमें कुछ खास नहीं है तो वो बना लेंगे, नहीं होगा तो बता भी दूंगा शायद वीडियो में। और इसका वेट है ना बहुत कम होता है, और इसको एनेबल वॉन्डरिंग पे रख देना, ताकि फिर ये उससे फर्टिलाइज़र बना सके। थोड़ा टाइम लगता है बट बनाता है। इसका वेट देखो कितना, 6 का है भाई, कितना कम वेट होता है। तो यही है, इसको इसलिए इसको टेम किया था। देखो ऐसे बनते हैं क्रॉप लोड, इसमें हम लोग कुछ भी उगा सकते हैं। तो छोटा सा मैंने दिखाने के लिए बताया था सिर्फ। और भाई ड्रॉप आया, ड्रॉप में क्या मिलेगा? ओ भाई टैंक एरो 16 मिल गया, चलो भाई काम की चीज़। पैराशूट भी मिल गया, अरे वाह चलो अच्छा है। बाकी ऐसे क्रॉप लोट होते हैं, 3 तरीके के बनते हैं, एक लार्ज होता है, एक मीडियम होता है, एक स्मॉल होता है। तो तीनों अलग अलग बनते हैं, तो अलग अलग लेवल पे भी खुलते हैं। और एक ये कंपोस्टर बीन है जो ये मैंने लगा रखा है, इससे भी वो फर्टिलाइज़र बनता है। और बस इसमें थोड़ा अलग तरीका है इसमें बनाने का। इसमें क्या होता है कि हम लोग को 50 थैच रखने पड़ते हैं, और 3 वो टट्टी रखनी पड़ती है, तो उससे बनता है एक। और इससे अच्छा डंग बीटल है, जिसमें हम लोग एक रखेंगे तो वो, अगर मीडियम साइज़ का रखेंगे एक तो 2 बना के देगा, स्मॉल साइज में एक बना के देगा, और लार्ज साइज़ में 3 बना के देता है, और साथ में ऑयल भी देता है वो। भाई लग जाए यार, ये कहाँ नाटक कर रहा है इतना। हाँ यहाँ पे बता रहा है, बता रहा है। अरे यार क्या प्रॉब्लम है इसकी भी। हाँ लग जा लग जा लग जा भाई। अरे भाई ये तो लगा ही नहीं। खैर छोड़ो, ये देखो ऐसे थैच रखना पड़ता है और वो रखना पड़ता है जिससे बन जाता है। तो अभी देखते हैं बनाया कि नहीं बनाया है इसने, इतनी जल्दी तो बनाया नहीं होगा वैसे। हाँ नहीं बनाया, सही है, टाइम लगता है इसको, थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तो अब बता भी देते हैं लार्ज क्रॉप प्लॉट कैसे बनता है। देखो 3 तरीके के हैं, एक छोटा वाला, एक मीडियम वाला, एक लार्ज वाला। तो हम लार्ज वाला बनाएंगे डायरेक्ट। इसमें देख लो ये सामान लगते हैं, वुड, थैच, फाइबर और स्टोन, अच्छी खासी चीज़ें लगती है। लेकिन एक बार बना लोगे तो इसमें की कैपेसिटी अच्छी होती है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। स्मॉल वाली की कम होती है, मीडियम वाली की ठीक होती है, लार्ज वाले की 300 तक होती है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। तो उस हिसाब से ही है, तो हमने बना लिया है। और थोड़े बहुत स्टोन चाहिए होते हैं, क्योंकि पाइप लगाना पड़ता है, देखते बिना पाइप के भी हो गया तो। चलो ये देखो, ये ऐसे ये टट्टी कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, फिर इसको उसमें डाल दो, इसमें डाल दो, या फिर उसके इसमें डाल दो डंग बीटल में, वो फटाफट बना लेता है। इसमें 1 घंटा लगता है बनाने में, एक
और वो डंग बीटल जल्दी बना देता है, शायद 10 मिनट का कुछ टाइम लेता है वो बनाने में, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट ऐसे कुछ टाइम लेता है। ये तो ऐसा फर्टिलाइज़र होता है, ऐसे बन जाता है। तो हम यहाँ पे लार्ज क्रॉप प्लॉट लगाएंगे, स्मॉल वाला हमारा काम का नहीं है, ये यहाँ पे लगा दो। ये पाइप बनाना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से बन जाता है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, देख के लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये लगाते हैं, हमारे पास दो हैं अभी। पानी गिरना चाहिए इसके ऊपर, ऐसे लगाना कि इसके ऊपर पानी गिरे, तभी इसमें दो दो चीज़ें तो मेन चाहिए होती है, एक पानी और एक फर्टिलाइज़र, उसके बिना क्रॉप उगता नहीं है। तो पानी देखो, ये देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है, फर्टिलाइज़र नहीं है इसके अंदर, ऐसा बता रहा है, पानी है वो है। अब इसमें फर्टिलाइज़र हम डाल देंगे तो ये बता देगा कि देखो फर्टिलाइज़र इसमें बता दिया, इसमें नहीं है। तो अब हम सीड डालना पड़ेगा इसमें, तो डालते हैं सीड, कौन सा डालें, क्रॉनिकल का डालना है बोले तो, नींबू होता है उसका, होता है क्रॉनिकल नाम से, लॉन्ग ग्रास ये भी नहीं है, किस में होगा यार ये, नहीं अंदर पड़ा है क्या, इसमें रखे तो थे मैंने थोड़े बहुत सीड, ना नहीं ये भी नहीं है, तो सो रूट का है, नहीं इधर भी नहीं है, कहाँ मिलेगा यार, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं, नहीं यहाँ पे कौन सी सीड, नहीं ये भी नहीं, रैक रूट नहीं है, रैक रूट तो वो होता है क्या बोलते हैं गाजर, शायद इसमें पड़ा होगा ट्राइसेराटॉप्स में, हाँ ये पड़ा, ये पड़ा, ये पड़ा, एक ले लो बस, एक ही डालना है, ज़्यादा नहीं, एक बार ही एक ही डालना पड़ता है, फिर वो हमेशा चलते ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस एक ही सीड चाहिए होता है आपको। तो इसमें हम डाल देते हैं, और इसमें भी टाइम बहुत लगता है, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको फुल ग्रो होने में, उसके बाद में वो फिर देना चालू करता है। तो धीरे धीरे देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं पौधे से, अब ये धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, 15 से 20 मिनट में ऐसे बढ़ जाते हैं फिर। तो फिर इसके बाद में फिर इनसे सामान मिलने लगेगा, धीरे धीरे सब मैं लगा लूँगा एक एक करके, चारों चारों लगाने हैं मुझे एक एक, क्योंकि सबकी ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी। तो लेते हैं एक और दूसरी सीड भी, वो भी लगा देते हैं अभी, डाल देते हैं, लगा तो कहते हैं डाल देते हैं, क्योंकि जब तक फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे तब तक वो उगना चालू नहीं होगा, तो डाल के रखते हैं। और ये भी धीरे धीरे उगना चालू किया, देखो ये इसने कंज्यूम कर लिया, एक बार कंज्यूम कर लेगा फिर बड़ा हो जाएगा, बड़े होने के बाद जैसे ही उसने अपने मतलब जो भी वो प्रोड्यूस करता है, उसने जैसे ही प्रोड्यूस करना चालू किया उसके साथ साथ एक सीड भी प्रोड्यूस कर देता है। क्या इसने किया, नहीं इसने भी नहीं बनाया अभी तक इसको लेवलअप, इसका लेवलअप सिर्फ और सिर्फ वेट में करना और किसी में मत करना, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा ये फर्टिलाइज़र बना पाएगा, तो उसके लिए इसका वेट में ही डालते रहना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे, और जाते जाते लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साथ।